हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, डेली मॉर्निंग में 7:30 पर अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहां पर हम लोग कवर करते हैं डेली के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। पिछले 2-3 दिन से हमारा माइक कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से हम लोग हमारे OBS पे क्लास कर रहे थे, और आज वापस से हम लोग हमारे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आ गए। उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होगी। माइक चेंज किया है, लेकिन पहले वाले माइक का आवाज का क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग था। इस वाले का आई डोंट नो कैसा है। जल्दी से एक बार मेरे को थम्स अप कर दो कि हाँ सर, आवाज और बाकी सब जो है वो परफेक्टली आ रही है, सो दैट हम लोग आगे मूव कर सकें। हाँ, गुड मॉर्निंग आंचल, कृष्णा, योगेश, शुभम, अंकित, साहिल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ ठीक है, आवाज आवाज एकदम परफेक्ट है। थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन पहले वाले से तो खैर मुझे लगता है कि आवाज थोड़ी बहुत हल्की सी हो सकता है, 2-4-5% ऊपर नीचे हो, लेकिन अच्छी होगी डेफिनेटली। माइक तो माइक की तरह काम करता ही है। ऑलराइट, तो हमेशा की तरह आपको मालूम है कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे, बहुत कुछ है जो कि हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज हमारे द हिंदू के अंदर आपको 6 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से इंडियन एक्सप्रेस में 1 आर्टिकल है, PIP PRS के अंदर कुल मिला के 6-4 आर्टिकल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो कुल मिला के 10-11 आर्टिकल है जो कि आज हम लोग आने वाले 30-35 मिनट के अंदर हम लोग कवर करेंगे। इस क्लास की PDF आपको क्लास 24 पे मिल जाएगी। साथ में इस क्लास से संबंधित 10 क्वेश्चन का क्विज आप टेस्ट है जो कि ऐप के ऊपर जाके लगा सकते हैं। आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि कोई बैंक का एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, PCS का एग्जाम है, कोई टीचर, कोई डिफेंस, कोई भी अगर आपका एग्जाम है, तो मैं पूरे 1 साल का करंट अफेयर आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, उसकी एंटायर समरी, ताकि आपके किसी भी एग्जाम के अंदर दिक्कत है जो कि नहीं हो। तो ये नवंबर पिछले 1 साल से लेकर नवंबर 2023 तक का कंप्लीट है जो कि हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। अपडेटेड करंट अफेयर होगा, 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट आपको PDF भी मिलेगी इसके अंदर, और 360 डिग्री एग्जाम है जो कि हम लोग सारे के सारे कवर करेंगे। B50 है जो कि आप इसमें यूज कर सकते हो। आपको गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है, SSC में जाना पड़ेगा और करंट अफेयर में जाना पड़ेगा। हर मंथ मैं इसको अपडेट भी करता चलूंगा। तो आपके पास में अगर आपने आज ये कोर्स ले लिया, तो आपको पूरे 1 साल तक जो है ये मैं हर मंथ करंट अफेयर इसमें अपडेट करता रहूंगा, वो सारा आपको मिलता रहेगा। समझ गए? जैसे कि मैंने पिछले महीने, अभी मैं पूरा 1 साल का कवर करूंगा, फिर जनवरी में आपको दिसंबर का मिलेगा, फेब में आपको जनवरी का मिलेगा, मार्च में आपको फेब का मिलेगा। तो ऐसे पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपके हर एक एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको तो कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते रहते हैं करंट अफेयर के लिए, तो मैं आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो कि मैंने बना दिया। एक बार अगर आप ले रहे हो तो पूरे साल के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा। सारे एग्जाम है जो कि इसके अंदर मैं कवर कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। IIIT के अंदर आप इसको ले सकते हो, पूरे साल आपके लिए वैलिडेट रहेगा। इनफैक्ट मतलब आप 1 साल में 2 साल का करंट अफेयर कर लो, क्योंकि पिछले 1 साल का तो मैं 1 साल करवा ही दूंगा, और फिर हर मंथ में इसके अंदर अपडेट है जो कि आप लोगों के लिए करता रहूंगा। चलिए, IIT का कोर्स आपके पास अवेलेबल है, 300 घंटे से ज्यादा, Tier 1 Tier 2, और साथ में हम लोग, ठीक है, हम लोग जो हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो कि हम लोग कर रहे हैं। आज के सफलता का सफर में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत है, तो आप हर मुद्दों को पार कर लेते हो। देखो ऐसा ही होता है, बहुत सारी परेशानियां जो है वो सफलता के बीच में आएगी, और आएगी ही आएगी। अगर मान लीजिए समस्या नहीं आ रही ना, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं गलत ट्रैक के ऊपर है, क्योंकि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, अलग अलग तरीके की ड्रामा है जो कि एक जिंदगी में, एक प्रिपरेशन के बीच में देखने को मिलते हैं। और जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा 100% कंसेंट्रेशन हमें हमारी पढ़ाई के ऊपर चाहिए होता है। समझ गए मेरी बात? और वही समस्या क्रिएट होती है कि 100% हमें हमारा दिल, जान, जिगर, सब कुछ एक जगह लगाना है, लेकिन कोई ना कोई एक चीज है जो कि छूटती चली जाती है। कभी कभार इमोशनल ड्रामा आएगा, कभी कोई फाइनेंशियल ड्रामा आएगा, कभी कोई सोशल ड्रामा आएगा, और इन चीजों से लड़ते लड़ते, झगड़ते झगड़ते हमें सीखना होता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। और ये जो प्रिपरेशन वाला दौर है ना आपका, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आपका टाइम है, ये आपको ना सिर्फ कोई नौकरी देगा, ये आपको पूरी जिंदगी के लिए तैयार कर देता है। मतलब सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है हमारे इस पूरे प्रिपरेशन के फेज की, वो यही होती है कि आप बहुत मजबूत बन जाते हो, आप हर चीज को सहने वाले बन जाते हो। तो आज की जिंदगी आप लोगों के लिए आसान हो जाती है जब आप इतनी मुश्किलों के साथ में कुछ चीज को पाने की कोशिश करते हो, है ना। बात यहाँ पे नौकरी की नहीं होती है, बात यहाँ पे एक हीरोइज्म की होती है जो कि आप अपने अंदर क्रिएट करते हो कि यार ये लोग, लाखों लोगों के अंदर से मैंने अच्छी प्रिपरेशन करके जॉब में आया जो कि ली है। समझ गए? तो ये हीरोइज्म है जो कि आपको जिंदगी के अंदर थोड़ा और आगे ड्राइव करता है कुछ और अच्छा करने के लिए, और उसी चीज के लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लोग रिस्पेक्ट आपकी पोजिशन की नहीं करते, इस लाखों लोगों के अंदर आपको
कुछ हजार लोगों जो कि किसी जॉब के लिए तैयारी करते हो, मेहनत करते हो, उसको क्रैक करने की कोशिश करते हो, उस चीज की रिस्पेक्ट होती है। ऑल राइट, चलिए आगे बात करते हैं। और आज के दिन के फ्रंट पेज की बात करें तो सबसे पहले तो COP28 के बारे में बोला गया है ना, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ अच्छी चीजें डिस्कशन हुई है। यहाँ पे इंडिया ने भी दोस्तों सीज फायर के फेवर के अंदर है जो कि वोट किया है, गाजा के अंदर जो सीज फायर करने की बात करें। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन है जो कि यहाँ पे लाया गया था, और 153 कंट्रीज है जो कि यहाँ पे टोटल जिन्होंने वोटिंग करी है, और मेजोरिटी 4/5 मेजोरिटी जो है वो फेवर के अंदर है किस चीज के, कि हमें इसराइल को जो है सिक्स फायर जो कर देनी चाहिए। 23 लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, कई लोगों ने फेवर किया, मेजोरिटी लोगों ने। चलिए यहाँ पे कल एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है जो कि पार्लियामेंट में देखने को मिला, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे केरला के पोटेंशियल क्राइसिस है, मिजोरम के बारे में है, और यहाँ पे जो बात करी गई है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि तेलंगाना के अंदर बना रहे हैं वो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद में ठीक है चलिए इसके बारे में बात करी गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल जो है वो आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे, कल सारे न्यूज चैनल के ऊपर एक इशू है जो कि रेज हो रहा था कि सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर। अच्छा हुआ कि वो तो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, कोई अटैक नहीं हुआ है, मतलब अदरवाइज ये बहुत बड़ा डिवास्टेशन है जो कि हमारे लिए हो सकता था। क्योंकि अगर आप सोचें कि कोई पैर के अंदर, जूतों के अंदर कोई स्मोक बम लेके आ सकता है ना, तो स्मोक कैन लेके आ सकता है, तो स्मोक बम भी लेके आ सकता है कोई ना कोई। जब आप जूतों के अंदर इस तरीके से स्मोक कैन है जो कि लेके आए गए और वो फहराए गए जूतों के अंदर छुपा के, तो कोई कुछ भी लेके आ सकता है उस वाले केस के अंदर। तो यही एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है जो कि कल देखने को मिला। ठीक है, बहुत ही कम सिक्योरिटी का स्टाफ आज के टाइम पे, और जो वैली है ना विजिट जहाँ पे MPs बैठते हैं और उसके ऊपर जो विजिटर गैलरी है उसके बीच में हाइट भी बहुत कम है। तो नई पार्लियामेंट के अंदर दो बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो सिक्योरिटी बहुत कम थी, कम है जो कि पिछले टाइम से रख दी गई है, और साथ में जो वैली और साथ में विजिटर वैली और जो MP की वैली उसके बीच में हाइट बहुत कम है। तो वो ऊपर से कूद गए, दो लोग विजिटर के अंदर आए, ऊपर से कूदे नीचे, और उसके बाद में उन्होंने स्मोक कैन है जो कि वहां पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से वहां पर काफी हंगामा है जो कि देखने को मिला। ठीक है चलिए, तो नंबर ऑफ विजिटर जो है उनको बाद में फिर सबको चेक किया गया, बाद में पता लगा कि ये दो लड़के जो थे है ना, ये 5 लोग हैं जो कि कुल मिला के थे, 4 तो पकड़े गए इसके अंदर, एक अभी फरार है, वो अभी मिला नहीं है इस पूरे उसके अंदर। इनका कोई टेररिज्म से रिलेटेड या कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, इनका अनएम्प्लॉयमेंट और जो महंगाई है जो कि इन दोनों का मुद्दा था जिसकी वजह से इन्होंने ये एक्टिविटी है जो कि करी है। इनकी फैमिली को, कुछ फैमिली को पता था कि इस तरीके के कुछ करने वाले, बाकी को पता नहीं था। एक दो बच्चे इसमें तैयारी करने वाले के भी थे। ठीक है, 4-5 है, इनकी सागर शर्मा, मनो मनोरंजन है, अमोल नीलम, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये 4 लोगों को अरेस्ट है जो कि लोकसभा के सिक्योरिटी ब्रिज के अंदर पकड़ा गया, और ये सारे सारे अनएम्प्लॉयड है, दो फैमिलीज भी एक दूसरे को जो है वो यहाँ पे जानती है। अब ये रूल्स क्या कहते हैं, क्या आप, अगर आप या मैं या कोई भी, अगर आप ये सोचे कि चलो ठीक है पार्लियामेंट में चले जाते हैं विजिटर गैलरी में, क्या जा सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखो ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है हमारी पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी जाके वहां पे जाके मीटिंग को अटेंड कर सकता है, देख सकता है। सिर्फ अगर MP का कोई रिलेटिव है या MP ने किसी को अगर अपना अलाउ किया है, अप्लाई किया है विजिटर्स के लिए, तो ही ऐसा पॉसिबल देखने को मिलता है। तो ये मैसूर के एक MP थे, उनके उनके नाम पे जो है ये चीजें जो कि यहाँ पे उन्होंने विजिटर्स पास जो कि बनवाए थे। तो एडमिशन विड्रॉल और रिमूवल, कोई भी विजिटर या कोई स्ट्रेंजर जो होता है ये गवर्न होते हैं रूल 386, 387 और 387A के माध्यम से, इसको रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा है जो कि कहते हैं। ठीक है, और एक्सक्लूसिव जो राइट्स होते हैं इसके पूरे स्पीकर के पास में होते हैं, स्पीकर चाहे तो इसके अंदर रूल को भी ट्विक है जो कि कर सकते हैं। हाँ ऑलराइट, और बड़ी बात यह है कि कल 13 दिसंबर था, ऑलरेडी आपको मालूम है कि पहले एक बार अटैक है जो कि हो चुका है, और तगड़ी बात पता है क्या है कि जो पन्नू जो कि US के अंदर एक खालिस्तान सेपरेटिस्ट लीडर है, उसने काफी टाइम पहले ही बात बोल दी थी कि 13 दिसंबर से पहले कोई अटैक होगा या उस दिन अटैक हो सकता है, इस तरीके की पहले ही उसने धमकी दे दी थी। तो अपने आप में हालांकि क्या बहुत कोशिश कर ली गई सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा इनको लिंक करने की, लेकिन अभी तक तो क्या कोई लिंक मिला नहीं, हो सकता है आने वाले दिनों में मिले नहीं मिले, वी डोंट नो, लेकिन अभी तक तो लिंक नहीं मिला, अच्छी बात है। तो नॉर्मल एक ब्रीच है जो कि माना गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम दोनों को लिंक करें तो बहुत बड़ी बात है कि अगर उसने बोला और इस तरीके के पार्लियामेंट के अंदर अटैक है जो कि देखने को मिला। ठीक है, माइक की आवाज सही नहीं आ रही क्या?
एक बार चेक करने दो। लेकिन अभी तक तो नहीं मिला। अच्छी बात है, तो नॉर्मल एक रीजन मेरे में फोन में तो अच्छी आवाज आ रही है वैसे, ठीक है आवाज। अरे मैंने दो तीन माइक मंगवा के देख लिया, कोई दूसरे ब्रांड का मंगवा के देखते हैं, लेट्स सी। चलो ठीक है, यहाँ पे ये वाली बात हो गई। और पूरी पूरी पावर जो है वो स्पीकर के पास में होती है। एंट्री ऑफ विजिटर की बात करें तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट की जो रूल बुक है उसके अंदर एक मेंबर भी अप्लाई कर सकता है ना विजिटर के तौर पे। तो अगर कोई एमपी उनको पर्सनली जानता है तभी जो है वो अलाउड है, जो कि हो सकता है विजिटर का कोई रिलेटिव, एमपी का कोई रिलेटिव, पर्सनल फ्रेंड या कोई नोन पर्सन होना चाहिए जिसकी वो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि ले सके, है ना। और नेम जो विजिटर के वो आपको पहले देने पड़ते हैं, उनका कार्ड बनता है, उनके एंट्री, जाने का टाइम, आने का टाइम, उनके फादर का नाम, उनके उसके हस्बैंड का नाम, ये पूरी डिटेलिंग है जो कि होती है। इनफैक्ट चेकिंग भी होती है मेटल डिटेक्टर से और सब कुछ से। और उसके बाद में जूतों के अंदर इस तरीके से कोई कैन लेके आ गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है जो कि देखने को मिलता है। सारी डिटेलिंग है जो कि होती है किसी विजिटर के। ऐसा कोई ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी आके जा सकता है, इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म 28 को लेकर। तो फॉर्म 28 कॉल्स फॉर ट्रांजेक्शन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। कल एक डिस्कशन जो फॉर्म के अंदर मीटिंग के अंदर हुआ है वो रिजर्वेशन अडॉप्ट करने को लेकर बात करी गई है कि हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल से दूर है जो कि हो जाएंगे। तो इसको नाम दिया गया है दुबई कंसेंसस, नाम दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज आपस में मिलकर काम करेंगे, डेवलप कंट्रीज पैसा देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, डेवलपिंग कंट्रीज फॉसिल फ्यूल को धीरे धीरे क्या करेंगे, फेज आउट करने के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, जिस स्पीड से अभी राइट नाउ चल रहा है, ठीक है, जिस स्पीड से अभी चल रहा है उस स्पीड से तो लगता नहीं कि 2030 तक हम लोग कार्बन रिडक्शन कुछ कर पाएंगे। अभी जो डाटा है इस हिसाब से तो ये बताया जाता है, इस वाले के अंदर एक आर्टिकल में बताया गया था कि कोई 5 या 10% के आसपास है, 5% रिडक्शन। हाँ, जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं ना, 5% रिडक्शन है जो कि ग्रीन हाउस गैस के अंदर देखने को मिलेगा 2030 तक। टारगेट कितना है अपना, टारगेट तो 43% एटलीस्ट है जो कि है। तो आप देखो कि 5 और 43 में कितना ज्यादा अंतर है, मतलब बहुत ज्यादा हमें नंबर को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है चलिए, और 60% हमें इमिशन रिडक्शन करना है कब तक, 2035 तक। तो इतने बड़े नंबर अगर अचीव करने और आज के टाइम पे भी 5% का रिडक्शन हो रहा है तो काफी तेजी से काम है जो कि करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि स्टैंड आउट क्लॉज का नाम बोला गया, 21 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जो कि बनाया गया, जिसमें कैसे हम लोग ट्रांजिशन करेंगे फॉसिल फ्यूल से, है ना, रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ, उसके ऊपर बात है जो कि करी गई है। और ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो है वो मेन कारण है जो कि बताया गया है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए। तो सारे कंट्रीज एक सिस्टम है जो कि अडॉप्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके रिजल्ट है जो कि फिर यहाँ पे अगले वाले कॉन्फ्रेंस में बताने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा रिसेंटली एक डिस्कशन है जो कि यहाँ पे हुआ है, इसी वजह से हमने किया है। कई सारे कंट्रीज ने दोस्तों अभी बोला भी है कि जिस स्पीड से काम कर रहे हो हम तो डूब जाएंगे। कौन कौन है, जैसे कि समोआ है, मार्शल आइलैंड है, जो छोटे छोटे से आइलैंड है, मालदीव है, मॉरिशस है, सेशल्स है ना, ये छोटे छोटे आइलैंड बेचारे इनका ऑलरेडी वाटर लेवल के ऊपर ही है, ऑलरेडी है जो बैठक वहां पर ही, इनका ग्राउंड लेवल वाटर लेवल बस 5-5 मीटर का डिफरेंस है। अब उसमें अगर और वाटर, अगर सी लेवल बढ़ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये तो डूब जाएंगे बेचारे। तो इनकी सबसे बड़ी टेंशन है सबसे पहले तो। उसके बाद में जो बाकी कंट्रीज है, साउथ, इजिप्ट, कंबोडिया, सेनेगल, इन्होंने भी फॉसिल फ्यूल फ्री फ्यूचर के बारे में जो है वो चर्चा करी है। ठीक है, इसके अलावा डेवलप कंट्रीज जो है वो क्या करेंगे, 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन पर ईयर, 100 बिलियन डॉलर पर ईयर का कमिटमेंट जो उन्होंने पहले किया था 2009 के टाइम पे, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया, उसको करने के लिए भी डेवलप कंट्री के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, जितना था मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा पेपर में कुछ नहीं आएगा। आज देखिए बात करते हैं पेज नंबर 2, यहाँ पे बात करेंगे दिल्ली को लेकर। तो दिल्ली की एमसीडी ने दोस्तों एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि जितने भी पेड़ हैं दिल्ली के अंदर उसको ये लोग काउंट करेंगे एआई की मदद से, ग्रीन कवर है जो कि चेक करेंगे और ट्री कवर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझ गए। तो जितना अच्छा आपका ट्री कवर होता है शहर के अंदर उतना ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो कि बढ़ जाती है, आपकी लॉन्गिविटी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉल्यूशन कम हो जाता है। अभी मैं डाटा बताऊंगा आपको, एक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स का डाटा निकल के आया है, उसके अंदर भी ये बात बोली गई है। तो शैली ओबरॉय जो कि मेयर है दिल्ली के अंदर, उन्होंने अभी रिसेंटली फर्स्ट ऑफ दिस काइंड पहली बार इस प्रकार का ट्री सेंसस जो कि करवाने के लिए बोला है, ताकि इस सिटी का जो ग्रीन कवर है उसको प्रिजर्व कर सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। 2 फेजेस में होगा, ड्रोन और एआई की मदद से ये लोग मैपिंग करेंगे। 84,000 जो ट्रीज जो प्लान कर गए थे ग्रीन कवर, ग्रीन दिल्ली एक्शन प्लान को लेकर, उनकी काउंटिंग और फिर उसको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर है जो कि काम करने के लिए बोला गया है।
अगर आप हमारे देश का 200 ट्री कवर देखोगे तो आज के टाइम पे आपको टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों मिला के, फॉरेस्ट और ट्री कवर। फॉरेस्ट का मतलब होता है जब एक हेक्टेयर लैंड के ऊपर जब आपका एक कैनोपी कवर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 10% से ज्यादा हो। कैनोपी मतलब जहां तक आपकी शेडो आती है, समझ गए? ये जो पेड़ है तो ये इसका कैनोपी एरिया होता है। तो कैनोपी एरिया को जब टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं तो 10% से ज्यादा अगर होता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। तो ट्री और फॉरेस्ट कवर मिला के हमारे देश में कितना देखने को मिलेगा, 24.39% है जो कि देखने को मिलता है। और ट्री कवर 93,000 किलोमीटर स्क्वायर है, और 2013 का है ना फॉरेस्ट कवर 2017 के अंदर के बाद से फिर हमारे जो नंबर है वो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होता जा रहा है। हर साल हम लोग थोड़ा थोड़ा 24% के समवेयर है। आज के टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके अंदर हर 1 साल 2 साल में जब रिपोर्ट आती है हमारी देहरादून के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है तो नंबर थोड़ा बहुत इंक्रीज है जो कि धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, सदर्न पार्ट के अंदर आपको मैक्सिमम ट्री कवर है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 7। यहाँ पे वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में बात करी गई है कि कौन से राज्य के अंदर वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। देखो क्लाइमेट सुन के ऐसा लगता है हमें कि ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज ही तो है, मैनेज हो जाएगा, हमारी जिंदगी तो निकल जाएगी। लेकिन आप ये बात समझने की कोशिश करें कि ऐसा नहीं है। आपकी मेरी सबकी जिंदगी के ऊपर क्लाइमेट का बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को लेकर, आपके नेचर को लेकर। आप एक ग्रीन कवर है आपके शहर के अंदर, आप घूम रहे हो, पैदल भी चल रहे हो ना गर्मियों के अंदर, तब भी आपको इरिटेशन नहीं होगी। वहीं पर ही अगर आप बहुत अच्छी गाड़ी में हो ना और अगर पेड़ पौधे नहीं है तब भी आप उस गर्मी में इरिटेट हो जाओगे, समझ गए? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि 24 घंटे आप जो है वो एसी के अंदर ही घूमते रहे। दुबई के अंदर भी इरिटेशन होती है, दुबई के अंदर हर जगह पे आपको एसी मिलेगा, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन गर्मियों में वहां पर भी बहुत भयंकर इरिटेशन है जो कि होती है, तो हर जगह होती है। और फिर आप गलत फैसले, लोगों से लड़ना झगड़ना, गलत तरीके से बात करना, बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बनती है। तो इस वाले पूरे आर्टिकल के अंदर यही बात बोली गई है। ठीक है, कि हमारे यहाँ पे मोर नियर बाय 50% जो हमारी पॉपुलेशन है 344 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो बहुत हाई या फिर वेरी हाई हेल्थ के वल्नरेबिलिटी है जो कि देख रही है आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज की वजह से। जब आपका क्लाइमेट चेंज का एक्सपोजर ज्यादा होता है तो समर सब बढ़ जाते हैं, हैवी और अनप्रिडिक्टेबल रेन बढ़ जाती है, फ्लड और ड्रॉट आते हैं, सी लेवल बढ़ जाता है, ग्लेशियर मेल्ट होने ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है ना आपके फेलियर होने के मतलब बॉडी के हेल्थ की भी फेलियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। लोग अपने नौकरी जो है वो जो लाइवलीहुड है वो भी खो देते हैं, पॉवर्टी में चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, जो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं अपने आप को जो कि COP28 के अंदर बोला गया है, उनको आज से ही जो है वो हर कंट्रीज को उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके वो लोग इसके अडॉप्ट है जो कि इसको कर जाएंगे। तो इस बार अडॉप्टेशन को लेकर काफी चर्चा है जो कि करी गई है। तो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो उसी चीज का डाटा है कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की वजह से, समझ गए? ठीक है, अगर ये सेम एक्सपोजर प्रॉब्लम हेल्थ की हो या किसी भी चीज की अगर उस जगह पे है जहाँ पे ट्री कवर ज्यादा है तो उतना इम्पैक्ट है जो कि नहीं करता है, तो उसी चीज को लेकर ये डाटा बताया गया है, समझ गए? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वल्नरेबिलिटी रेंज है, जितना ज्यादा डार्क होगा उतना ज्यादा नंबर है, और जितना जीरो के पास होगा ना, जीरो से लेकर वन के बीच में डाटा बताया जाता है, तो जीरो के आसपास होगा वो बेस्ट है और जितना होगा ये सबसे ज्यादा वर्स्ट वाली स्थिति है। तो अगर आप देखोगे जितना डार्क है ना, जितना वन के पास में है वो ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। स्टेट के अंदर दोस्तों अरुणाचल वैली जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी वाले रेंज के ऊपर आ चुका है। उसके बाद में यूपी और एमपी के सारे डिस्ट्रिक्ट है। 344 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर यहाँ पे काम है जो कि किया गया है। एक बच्चा बोलो चाइनीज माइक ले लिया गया, अरे चाइनीज माइक नहीं है। ठीक है, माइक तो इंडियन ही है लेकिन ये लैपटॉप और ये जो पूरा सिस्टम है ना वो कई बार सपोर्ट करता है, उतने अच्छे से कई बार नहीं करता, चेंज करवा दूंगा आज मैं इसको। चलो ठीक है, एक और चलो एक बार मैं आपको एक और माइक का वो बताता हूँ, चेंज करके देखता हूँ। अब पहले पहले वाला बेटर है कि अभी वाला बेटर है? ठीक
हाँ अभी ठीक है, ठीक है चलो कोई नहीं। हाँ अभी वापस से मैंने पहले वाला कर दिया है। चलिए तो आगे बात करते हैं, और कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे लेस वल्नरेबिलिटी है, वो है सिक्किम के, सिक्किम गोवा महाराष्ट्र, जहां पे आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, जहां पे आपको अच्छा बेटर फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा, वहां पे वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के अंदर वो बहुत ही ज्यादा कम है नंबर उनके, तो काफी सही है। ठीक है 50% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो हाई वल्नरेबिलिटी वाले इंडेक्स के अंदर है, जो कि देखने को मिलेगी। समझ गए, चलो ठीक है आगे बात करते हैं। आवाज आ रही है? अभी ठीक है ना, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 12। यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी, वो सबमिट हुआ है भी, आप सभी को मालूम है ना, कि हम लोग ट्रस्ट के साथ में एआई को यूज करें, एथिकल एआई को यूज करें, उसको लेकर जो कि यहाँ पे चर्चा करी गई है। हमारे लिए जरूरी है वो रोड एक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, नियर बाय 1.5 लाख लोगों की डेथ है जो कि हर साल रोड एक्सीडेंट के अंदर हो जाती है, नंबर बहुत बड़ा है पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों। रोड एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ होती है ना, वो 5% की गिरावट है जो कि पूरी दुनिया में देखने को मिली, लेकिन हमारे देश में 15% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो रिसेंटली ये रिपोर्ट है जो कि WHO के द्वारा पब्लिश करी गई है, जिसमें रोड के ट्रैफिक की वजह से डेथ वर्ल्ड वाइड 2010 से 2021 के बीच में 5% कम हो गई है, हमारे यहाँ पे 15% बढ़ गई है, और ये एक लीडिंग कारण है जो कि बताया गया बच्चों के अंदर और जो यंग लोग हैं है ना उनके अंदर डेथ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 2010 के अंदर हमारे 1.34 थे, आज के टाइम में 1.53 हो चुके हैं, तो काफी डेथ है जो कि हमारे यहाँ पे हो रही है। तो एक ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 है जो कि अभी रिसेंटली WHO के द्वारा पब्लिश करी गई है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा किसके द्वारा रिलीज करी गई है, तो ध्यान रखिएगा WHO है। ठीक है चलिए, 10 कंट्रीज ने दोस्तों अपने ट्रैफिक की वजह से डेथ रोड के वजह रोड एक्सीडेंट की डेथ 50% कम कर दी है। सोचिए 50% कम करना बहुत बड़ी बात होती है। कौन कौन से कंट्री है? बेलारूस है, ब्रुनेई, डेनमार्क, जापान, नॉर्वे, रशिया, लिथुआनिया, त्रिनिदाद, यूएई, वेनेजुएला, इन कंट्रीज में 50% रिडक्शन है जो कि अपने डेथ के अंदर कर दिया रोड एक्सीडेंट की वजह से। इसके अलावा 35% ऐसे भी है जिन्होंने 30 से लेकर 50% की प्रोग्रेस करी है, और भी कई सारे देशों ने काफी बेहतर प्रोग्रेस करी। 2019 के अंदर रोड क्रैश की वजह से लीडिंग कॉज है जो कि डेथ का बच्चों में और यंग लोगों के अंदर बताया गया था। ठीक है चलिए, और एक लाख की पॉपुलेशन पे 18 डेथ दुनिया में देखने को मिल रही थी, अभी 15 है जो कि देखने को मिल रही है ना। तो दुनिया में तो डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन हमारे यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पे व्हीकल भी बढ़ गए हैं पिछले 10-15 सालों के अंदर, जो व्हीकल हमारे यहाँ पे जो इंक्रीज हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा हुए हैं। ठीक है तो रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि हमारे यहाँ पे ग्लोबल मोटर व्हीकल वो 160% के आसपास है, जो कि पूरी दुनिया में बढ़े, हमारे कंट्रीज के अंदर भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। ठीक है चलिए, ठीक है, और मैक्सिमम जो आपको डेथ देखने को मिलती है रोड एक्सीडेंट के अंदर वो ओवर स्पीडिंग कारण होता है। हमेशा गाड़ी जो है वो स्लो चलाया करो, आप 50% चांस तो वैसे रिड्यूस हो जाएंगे आपके। तो अगर आप देखोगे मैक्सिमम तो रोड एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग 64 है, उसके बाद हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट नहीं पहनना, गलत साइड के ऊपर ड्राइविंग करना, पीके चलाना, ये सारे के सारे मेजर रीजंस हैं जो कि पिछले 5 सालों के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है ओवर स्पीडिंग तो आई है, मैक्सिमम आपको नॉर्मल किसी भी रोड के ऊपर जो होती है वहां पर ज्यादा डेथ मिलेगी, उसके बाद नेशनल हाईवेज है, फिर स्टेट हाईवेज है, उसके बाद में एक्सप्रेस वे है ना, और ओवर स्पीडिंग सबसे ज्यादा मेजर कारण है जो कि माना जाता है। एलपी की वैकेंसी कब तक आएगी? अमरेश आठे को एलपी की वैकेंसी जो है वो उम्मीद है कि जनवरी के अंदर अनाउंस करने की, दिसंबर जनवरी के बीच में अनाउंसमेंट है जो कि हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि वैकेंसी आएगी आएगी जरूर एक बार, तो बाकी लेट्स सी यार, बाकी तो गवर्नमेंट ही बताएगी। चलिए पेज नंबर 13 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे लिए जरूरी है वो बात करेंगे दोस्तों रोड टैक्स को लेकर। तो US और यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों अभी क्या किया है, नए टैक्स जो कि हमारे कुछ प्रोडक्ट के ऊपर लगाती है, जिनको बोलते हैं CVD, ठीक है, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, चार इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर है जो कि इनके द्वारा लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कि इन चार प्रोडक्ट को पहले क्या कर दिया था, थोड़ा बहुत टैक्स में रिडक्शन कर दिया था, इनके टैक्स थोड़े कम कर दिए थे, थोड़ा सस्ता बना दिया था इनको, ताकि ये एक्सपोर्ट कर सके, समझ गए। लेकिन जब बाहर की कंट्रीज को पता लगता है कि कोई भी कंट्री अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वहां पर रिड्यूस कर रहा है टैक्सेस को, उनको वहां पर बेनिफिट दे रहा है,
तो फिर वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स है जो कि उसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये काउंटर मेजर होता है एक तरीके से, समझ गए मेरी बात। तो वही चीजें जो कि यूएस और यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी हमारे यहाँ पे करी गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको रोड टैक्स कहते हैं, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, रेमिशन देते हैं, है ना, कम करते हैं ड्यूटीज को, टैक्सेस को, जो प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते, इसको कहते हैं RoDTEP, समझ गए। इसकी वजह से हमने टैक्सेस में कम कर दिया, लेकिन इसी का काउंटर करते हुए यूएस और यूरोप ने चार प्रोडक्ट के ऊपर है जो कि बढ़ा दिया। चार प्रोडक्ट कौन कौन से है, एल्यूमिनियम शीट है, स्टील के फ्लूड है, इसके अलावा ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है, ये कुछ मटीरियल है जिसके ऊपर उनके द्वारा लगाया गया है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। हाँ हर्षिली, अगर आपने आईबी का बैच ज्वाइन किया तो अभी तक के लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और अभी से डेली जो लाइव क्लास हो रही है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। पेज नंबर, ये आपसे पेपर में पूछेंगे इसका मतलब क्या होता है, कितने प्रोडक्ट है जो जिसके ऊपर हमने अभी टैक्स में रिमिशन किया है, ये आपसे पेपर में सवाल बनेगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करते हैं जो कि है दोस्तों इंटरनेशनल टेनिस के हॉल ऑफ फेम के अंदर। क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनेशनल टेनिस के अंदर पहली बार दो भारतीयों को इंटरनेशनल टेनिस में के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, एक तो लिएंडर पेस है और एक दूसरे हमारे विजय अमृतराज है। विजय अमृतराज भी दोस्तों काफी फेमस प्लेयर है, कॉमेंटेटर रहे हैं काफी टाइम, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है ना। और ठीक है, इन्होंने विजय अमृतराज का स्पोर्ट्स के टाइम पे बात करें तो ये मैसेंजर भी रह चुके हैं, मैसेंजर ऑफ पीस फॉर यूएन इन 2021। इनकी एक फाउंडेशन भी है जो कि एजुकेशन, महिलाओं के एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर काम करती है। इसके अलावा तीसरे एक रिचर्ड एविस करके एक और पर्सन है जिन्होंने 200 ग्रैंड स्लैम को कवर किया है, उनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। लेटर पेस के बारे में आपको मालूम है दोस्तों, लेटर पेस बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है। मतलब अगर आप मेरे से पूछो कि इंडियन स्पोर्ट्स के अंदर सबसे खतरनाक फिटनेस किसकी रही है पिछले 40 सालों के स्पोर्ट्स के अंदर, तो विजय प्लेयर लेटर पेस ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। ये बंदा 7 बार ओलंपिक खेल चुका है, ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट, 7 ओलंपिक इसको कहते हैं। इसके अलावा 8 बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 10 बार मिक्स्ड ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो 18 तो ग्रैंड स्लैम है इसके पास में, समझ गए। ओनली 3 ऐसे इतिहास के अंदर लोग हैं जिनके पास में मिक्स्ड और डबल्स का ग्रैंड स्लैम दोनों के दोनों अवेलेबल है, तो काफी अमेजिंग प्लेयर है लेटर पेस, ठीक है। विजय अमृतराज भी डेविस कप के अंदर जो है ना वो 2 बार पहुंच चुके हैं फाइनल के अंदर, तो इनका भी काफी सही परफॉर्मेंस था। चलिए ठीक है, तो ये पहले दो भारतीय हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस के अंदर इंक्लूड है जो कि किया गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, और एक एडिस करके तीसरे पर्सन उनको शामिल किया गया है। और नियर बाय 37 वीक तक जो है डबल्स के अंदर नंबर 1 रैंक के ऊपर भी रहे, और नियर बाय 450 वीक तक जो है वो टॉप 10 के अंदर जो कि दुनिया के अंदर डबल्स के अंदर रहे, है ना। तो काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि टेनिस के अंदर निकल आया। इसके बारे में बात करें, कल देख सकते हो ये स्मोक कैन जो है वो रिलीज करेंगे, उसकी फोटो है यहाँ पे। हमारे जरूरी है वो कफ सिरप को लेकर है दोस्तों, हमारे कुछ कफ सिरप है, 6% ऐसे कफ सिरप के सैंपल है जिसकी वजह से इंटरनेशनली काफी प्रॉब्लम है जो कि रिसेंटली हुई है, तो सैंपल जो है ना वो फेल हो गए हमारे, उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही ज्यादा पुअर थी इसकी वजह से। तो रिसेंटली हुआ क्या समझने की कोशिश करो, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये नोडल एजेंसी हमारे यहाँ पे CDSCO कहते हैं इसको, है ना, इसने बताया कि 6% हमारे जो सैंपल है कफ सिरप के वो फेल हो गए। 54 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे जिन्होंने मैंडेटरी टेस्ट है जो कि इसके अंदर किया था, मतलब टेस्ट किया था, लेकिन वो फेल हो गए थे, उनका क्वालिटी चेकिंग नहीं हो पाया। गैम्बिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून, है ना, WHO ने दोस्तों काफी कंसर्न जारी करे थे इन सबके कफ सिरप के ऊपर, क्योंकि कई बच्चों की डेथ है जो कि इन मेडिकेशन की वजह से हो गई थी, उसके बाद काफी प्रॉब्लम हुई। इंडियन मैन्युफैक्चर जो है ये जो पकड़े गए अभी, जो इनका फेक है, जिनका मतलब इंडिया के अंदर तो आप फेक बेचो, विदेश के अंदर भी बेचते हैं मतलब ये लोग। और आप सोचिए कि इंडिया के भी जो बच्चे हैं, इंडिया के जो हमारे सिटीजन, जिस देश का आप लोग खाना खा रहे हो, जिस देश के अंदर से जी रहे हो, उनको भी ये लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो चेपता है। अब हमारे यहाँ तो इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है तो इंडिया में तो चल जाते हैं, अभी लोगों को इतनी हिम्मत हो गई कि इंटरनेशनली बेचने के, जिसकी वजह से इंटरनेशनल तो कितनी कंपनी बैन हो जाती है, बेइज्जती होती है, और फिर बाकी जो सही प्रोडक्ट बना के बेचते हैं ना उनके ऊपर भी डाउट होता है, फिर उनकी डबल क्रॉस चेकिंग होती है, समझ गए। तो हमारे यहाँ पे जितनी भी हमारी बॉडीज है ना उनको एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, यार मेडिसिन के एक आदमी दवाई पे तो भरोसा करता है, खाने पे तो वैसे ही बहुत कम है, दवाई पे भी भरोसा उठ जाएगा तो बचेगा क्या, वो वाली कहानी है। ओके तो इनके अंदर कंटेमिनेशन पाया गया, यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का ये टॉक्सिक सस्टेंस है जो कि इनके सैंपल्स के अंदर पाए गए,
और हमारे जीडीपी में नियर बाय 0.2% का कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री करती है, जो कि बहुत बढ़िया है। आगे बात करते हैं एनटीपीसी को लेकर, उसने ब्रेंडोन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस अवार्ड है जो कि रिसेंटली जीता है। तो हमारे एनटीपीसी ने महारत्ना जो कि पीएसयू है ना, उसने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में काम करते रिमार्केबल अचीवमेंट है जो कि रिसेंटली अचीव किया है। एकमात्र पीएसयू इंडिया से जिसको 2 सिल्वर अवार्ड है जो कि मिले, ब्रेंडोन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023 के अंदर। ठीक है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, उस कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड है जो कि मिला है। नेक्स्ट है समुद्र को लेकर, समुद्र का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूजर फॉर ओशियन डेटा रिसोर्स एंड एडवाइजरीज। तो एडवाइस देने के लिए, प्रॉब्लम को से निकालने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है हमारे जो फिशिंग कम्युनिटी है, जो सी फेरर्स है, उन सबके लिए कि जब आप समुद्र में जाते हो फिशिंग करते हो तो इस ऐप को डाउनलोड रखो ताकि आपको सारी जानकारी है जो कि मिलती रहे। समझ गए, ये बनाई गई किसके द्वारा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, हैदराबाद में मिलेगा। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये काम करती है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, स्मार्ट मोबाइल फोन एप्लीकेशन है, सारे ओशन से संबंधित जितने भी सर्विसेज है सारे के सारे इसके अंदर अवेलेबल करवाए जाते हैं। साइक्लोन जैस्पर की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के ऊपर आपको दोस्तों रिसेंटली देखने को मिलेगा, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ऑलराइट, ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको दोस्तों एंटायर आने वाले पिछले 1 साल के और आने वाले 1 साल तक के कंप्लीट करंट अफेयर अगर आपको करने हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर बैच को आपके सारे बैंकिंग के एग्जाम, सारे एसएससी के, सारे स्टेट पीसीएस, डिफेंस, पुलिस, जितने भी एग्जाम है, करंट अफेयर में आपका कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। डेली की 30 to 40 मिनट की क्लास होगी जिसके अंदर मैं आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर और हर मंथ आपको करंट अफेयर आपको अपडेट है जो कि करता रहूंगा। समझ गए, 360 डिग्री कवरेज है जो कि हर एक एग्जाम का होगा। NNN में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी एग्जाम में जाइएगा, गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी, और वहां पर आपको एक करंट अफेयर बैच है जो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए है, लेकिन एसएससी के अंदर है तो मैं इसको कल यहाँ पर लिस्ट करवा दूंगा बाहर। ओके, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, NNN के अंदर है, पूरे साल तक आपका सारा करंट अफेयर कवर होगा। चलिए, आईबी का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, Tier 1, Tier 2 और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इस आज के लिए इतना ही।